हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन अवर यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके फॉर्म सितंबर 2018 में आप लोगों ने फिलअप किए थे और इसमें लगभग 3600 प्लस जूनियर सेल्समैन की भर्ती थी, ठीक है। यह मेरिट बेस से भर्ती थी जिसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। एक साल इसमें पूरा का पूरा एक साल बीत चुका है और यहाँ पर दोस्तों इसके संबंध में ना ही कोई अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ना इसके रिजल्ट के संबंध में, ना वैकेंसी के संबंध में। आज एक छोटी सी न्यूज़ है जो यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से यह न्यूज़ आपको दिखाऊंगा, एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है ये न्यूज़। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि यहां पर जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो के अंत में आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट भी यहां पर मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये है वो न्यूज़ जो प्रकाशित हुई है नव दुनिया स्टेट ब्यूरो न्यूज़पेपर में, ठीक है, नव दुनिया। और यह भोपाल का न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन बनी है वो कुछ इस प्रकार है, 3600 सेल्समैन की भर्ती में नया पैच, GAD ने पूछा आरक्षण का पालन किया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी न्यूज़ क्या है इसको भी यहाँ पर अपन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। 6 माह से हजारों युवक कर रहे चयन की सूचना जारी होने का इंतजार। 6 माह यहाँ पर बहुत कम लिखा है दोस्तों, टोटल 12 माह से यहाँ पर हजारों अभ्यर्थी कर रहे हैं इसका इंतजार, ठीक है। आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और सितंबर 2018 में इसकी वैकेंसी निकली थी। इस न्यूज़ को सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन। प्रदेश की सरकारी संस्थाओं में रिक्त सेल्समैन के पदों पर होने वाली भर्ती अनिर्णय की वजह से अटक गई है। चयन प्रक्रिया के नतीजे घोषित करने को लेकर सहकारी विभाग नीतिगत फैसला नहीं कर पा रहा है। इस मामले में अब नया पैंच आरक्षण का फंस गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सहकारिता विभाग से पूछा है कि आपने इसमें आरक्षण नियमों का पालन किया है या नहीं। बताया जा रहा है कि विभाग ने अभी तक सवालों के जवाब तैयार कर लिए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का पालन किया गया है। सूत्रों का कहना है कि 40,000 से ज़्यादा युवाओं ने 3600 से ज़्यादा सेल्समैन पदों को लेकर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। MP ऑनलाइन के माध्यम से प्रक्रिया कराई गई थी। इसमें परीक्षा ना लेकर सिर्फ दस्तावेज अपलोड करने थे, मेरिट के आधार पर चयन होना था। विधानसभा चुनाव की वजह से शिवराज सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाई। सत्ता परिवर्तन के बाद जब विधानसभा में सवाल लगा तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने फाइल बुलाई और चयन प्रक्रिया में नतीजे घोषित करने नोट शीट लिखी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दरअसल हाई कोर्ट में इस चयन प्रक्रिया को कुछ लोगों ने चुनौती दी थी। इसके मद्देनज़र सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय से सलाह ली। इसमें सशर्त नियुक्ति आदेश जारी करने की सलाह दी गई। इसके बावजूद अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया। सरकार का विचार है कि इस प्रक्रिया की जगह जिले में बैंक स्तर पर कमेटी बनाकर नए सिरे से आवेदन ले लिए जाएं, इसके आधार पर चयन प्रक्रिया किया जाए। इसमें 39,000 युवाओं को भी शामिल किया जाए जिन्होंने MBA ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आवेदन किया है। तो दोस्तों, यह पूरी न्यूज़ जो आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है, नव दुनिया स्टेट ब्यूरो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई, और यह एकमात्र अपडेट है MP कोऑपरेटिव सोसाइटी 3600 जूनियर सेल्समैन की भर्ती को लेकर। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। MP कोऑपरेटिव सोसाइटी संबंधित और मध्य प्रदेश और भारत में जितनी भी सरकारी वैकेंसी निकलती है उनमें जो भी अपडेट होती है यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जब भी यहाँ पर नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।